संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को सिलवासा स्थित अटल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस वार्ता सन 1974 में घोषित इमरजेंसी को लेकर रखा गया था। संघ प्रदेश भाजपा द्वारा जयप्रकाश छात्र आंदोलन में शामिल सभी आंदोलनकारियों को याद करते हुए इमरजेंसी दिन को देश में ब्लैक डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है उस पर चर्चा करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 में हमारे देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला तब हुआ था कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। 25 जून की उस रात को कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे देश की आत्मा लोकतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला हुआ था और आज इमरजेंसी के 46 वर्ष बाद भी हमारा देश उन काली दिनों को याद करता है कि जब इमरजेंसी के दौरान हमारे देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया, जिन्होंने आवाज़ उठाई इस तानाशाही के खिलाफ उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था और साथ ही साथ ऐसी कई लोकतांत्रिक आवाज़ें थी जिसे दबाकर रख दिया गया और कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार ये काम किए गए इमरजेंसी के दौरान। लेकिन आज इस मंच से हम उन सभी लाखों लोगों को नमन करते हैं कि जिन्होंने इस तानाशाही का सख्त विरोध किया और साथ ही साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे सुरक्षित रखा। जिसमें कांग्रेस आपातकाल 25 जून 1975 में लगाड़ियों आ आपातकाल कांग्रेस सरकार है पोतानी अक्षमता जेवी के देश में बेरोजगारी दर वधी चूक्यो हतो, अर्थतंत्र पूरी रीते तूटी चूक्यो हतो, भ्रष्टाचार एनी चरम सीमा पर हतो, त्यां सुधी पोजिशन थई गई थी कि सरकार पोताना कर्मचारियों ने पगार पण आपी शके न। आ परिस्थिति में देशना गुजरात छे, बिहार छे, महाराष्ट्र छे जेवा राज्यों में विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन करवामां आव्युं, गुजरात में राष्ट्रपति शासन भी लगाववामां आव्युं हतुं। जयप्रकाश नारायण नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजीनामु मांगवामां आव्युं अने एना माटे राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जाहरात करवामां आवी। एनाथी गभराईने ते वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल जाहिर कर्यो हतो अने आपातकाल जाहिर कर्या पछी एमणे देशना जे चौथो स्तंभ कहेवाय छे मीडिया एवो सबथी पहेलो प्रहार एमणे मीडिया पर कर्यो। आ आपातकाल 21 महीना चाल्यो हतो परंतु जे लोकोए संविधानने साचवा माटे लोकतंत्रनी लड़ाई लड़ी हती एवा घणा महापुरुषो जेवा के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण अडवाणी जी, मधु दंडवटे, नानाजी देशमुख आवा घणा लोकोने जेलनी पाछळ मूकी देवामां आव्या। मीसानो खोटो दुरुपयोग करवामां आव्यो हतो अने मीसाना कायदा हेठळ 30,000 કરતા વધુ લોકોને જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા। જે સત્યાગ્રહીઓ હતા એવા 1,30,000 સત્યાગ્રહીઓને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા। આમ કોંગ્રેસની સરકારે પોતાની અક્ષમતા છુપાવવા માટે આ આપાતકાળ લગાવ્યો હતો અને જે લોકો લોકતંત્રની લડાઈ લડતા હતા એ દરેક સત્યાગ્રહીઓને સંવિધાનની સેવા કરનાર, સંવિધાનને સુરક્ષિત કરનાર એવા દરેક લોકોને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા અને જે ચોથું સ્તંભ છે એવા મીડિયાને બી નિરસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું। એટલે આજે અમે આ આપાતકાળને ભારતીય જનતા પાર્ટી કાળા દિવસ તરીકે લોકોની સમક્ષ જાહેર કરે છે।